है, फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ ऑफ ए साउंड वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक और नॉर्मल प्रेशर। ठीक है ना, किन पॉइंट पर तो मिन मैक्सिमम प्रेशर होगा, कहाँ मिनिमम प्रेशर होगा और कहाँ एटमोस्फेरिक या नॉर्मल प्रेशर होगा, ये सब बातें आप बता सकते हैं ए बी सी डी पॉइंट में से डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है और कहाँ पर एटमोस्फेरिक या नॉर्मल है आपका। अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर किसी इंस्टेंट पर आपको स्नैपशॉट वेव का इस तरह से गिवेन है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से लॉन्गिटुडिनल वेव्स में, उसका एक्स के साथ प्लॉट किया। निकेत ने बताया आंसर सही होगा, निकेत बिल्कुल ठीक है ना, देख लो एक बार मैच करो। मैक्सिमम प्रेशर देखना है आपको, तो डेल्टा पी जहाँ पर मैक्सिमम है, डेल्टा पी पॉजिटिव है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पता है आपको डी पी इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। तो थर्ड वाले का सबसे कह रहा हूँ कि एटमोस्फेरिक और नॉर्मल प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, वहाँ प्रेशर चेंज जीरो हो जाएगा। तो डेल वाई बाई डेल एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है बताने की जरूरत थोड़ी नहीं है मुझे। तो बिल्कुल सही आंसर है निकल का बी और डी पॉइंट, ठीक है ना। एट बी एंड डी क्या है आपका, नॉर्मल प्रेशर। बहुत आसान चीज है बेटा, अगर आपने सब लिंक करते चले, स्लोप फटाफट आप एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप अटैच हो चुके हैं सब चीज़ों से तो कुछ बचता नहीं है फिर। तो डी पी इक्वल टू माइनस बी डेल वाई बाई डेल एक्स, तो आपने क्या कहा एटमोस्फेरिक प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर कहाँ पर है, बी और डी पर है, ठीक है ना। बी और डी पर क्या है आपका, नॉर्मल प्रेशर है। अब फर्स्ट देखो आपका मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर है, मैक्सिमम प्रेशर डेल वाई बाई डेल एक्स जहाँ पे नेगेटिव है वहां पर डेल्टा पी पॉजिटिव होता है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स मैक्सिमम कहाँ पर है, देखो दिख रहा है क्या बेटा, ये यहाँ पे जीरो था, फिर ये बढ़ते बढ़ते ए पर मैक्सिमम होता है ना, और आपको मैक्सिमम प्रेशर के लिए डेल्टा पी की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है, तो वो ए पॉइंट पर है। एट ए डेल वाई बाई डेल एक्स नेगेटिव है, तो इसलिए आपका डी पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया। तो इसलिए मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर होगा, एट पॉइंट ए मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ मिलेगा आपको, एट पॉइंट कैपिटल ए मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। तो एट सी देखो आप, सी पॉइंट पर क्या है आपका, सी पॉइंट पर डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, पॉजिटिव है और मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब डी पी माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस बी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स है, और ये क्या हो गया। ठीक है, तो आपका डी पी नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, तो मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होगा, एट पॉइंट सी मिनिमम प्रेशर होगा, एट पॉइंट सी मिनिमम प्रेशर होगा। देखो बेटा एक बार, इसमें कोई तकलीफ किसी भी बच्चे को इस तरह के एनालिसिस में, केवल आपको वाई एक्स प्लॉट के स्लोप से आप बता सकते हैं कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मीन है, कहाँ कितना है, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत तो नहीं है आपको किसी को।